नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं उसकी ताजा तरीन खबरों पर। बजरंगदल कार्यकर्ता की हत्या केस में अब तक 5 गिरफ्तार। बीजेपी विधायक ने की एनआईए जांच की मांग, कहा घटना के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कर्नाटक के शिवमोगा के भारती नगर इलाके में रविवार रात कार में आए कुछ अज्ञात लोगों ने हर्ष नामक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा, बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिरी, कई लोगों की मौत की सूचना। आपको बता दें, चंपावत में दुर्घटना का शिकार हुई गाड़ी टनकपुर गई, एक बारात से वापस लौट रही थी। इस हादसे में वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मणिपुर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के नेता पूर्वोत्तर की संस्कृति और पूर्वोत्तर के पहनावे का उड़ाते हैं मजाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में बीजेपी समर्थकों से मुलाकात की। राज्य में 2 चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में आग से 6 महिलाओं की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। हादसे के बाद मौके पर आग लग गई और कामगार महिलाएं जिंदा जल गई। अयोध्या में सीएम योगी का एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा इनका अब विसर्जन कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रचार करते हुए एसपी बीएसपी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनका विसर्जन कर दीजिए। बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे, कुंभ की धरती प्रयागराज से अखिलेश यादव का हल्ला बोल। 5वें चरण के चुनाव का प्रचार कर रहे अखिलेश ने कहा, झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग आज फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं, लेकिन जनता का सपा के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर हमला, कहा जातिवादी पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। बसपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र में जब वीपी सिंह की सरकार थी तो बसपा ने अपने प्रयास से डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाया और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाया। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 5 लोगों की मौत, 7 गिरफ्तार। आजमगढ़ के अहरूला थाना क्षेत्र के माहुल गांव में जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले की बड़ी आशंका, भारतीय छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। भारतीय दूतावास ने घोषणा की थी कि एयर इंडिया 22, 24 और 26 फरवरी को कीव और दिल्ली के बीच 3 उड़ानें संचालित करेंगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम जनता के भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, पहले हमने जो कहा था उस कसौटी पर हमें देखिए, अगर हम खरे उतरे हैं तो हमें वोट दीजिए, यदि हम खरे नहीं उतरे हैं तो हमें वोट मत दीजिए। बीजेपी ने असंभव को संभव कर दिखाया, कांग्रेस नहीं समझती जनता की तकलीफ, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया है। मणिपुर के हर क्षेत्र को बंद और नाकेबंदी से राहत मिली है, जबकि कांग्रेस ने मणिपुर की विशेषता ही बंद और नाकेबंदी बना दी थी। कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं और तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई। दिल्ली के छात्र मुफ्त में कर सकेंगे एनडीए की तैयारी, देशभक्ति प्रोग्राम के तहत शुरू होगा ये कार्यक्रम। छात्रों को एनडीए स्तर की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए दिल्ली सरकार सैनिक स्कूल की स्थापना करेगी। इसके साथ ही यहां दिल्ली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी एकेडमी की भी शुरुआत की जाएगी। इस अकेडमी का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से किया जाएगा। दिल्ली में डॉक्टर ने अमेरिकी महिला के शरीर से निकाले 3 कीड़े, देर होने पर जा सकती थी जान। महिला ने अमेरिका में भी डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन माइसिस को नहीं निकाला जा सका। हालांकि डॉक्टरों ने राहत देने के लिए कुछ दवाएं दी थी, इसके बाद वह इलाज के लिए दिल्ली पहुंची। चित्रकूट में योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, कहा इस चुनाव गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल रही है। अखिलेश ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में अगर कुछ डबल हुआ तो वो तो महंगाई और भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि इसी चुनाव में इनके बड़े बड़े नेताओं को पता ही नहीं कि जनता के मन में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। हिमाचल के ऊना में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 7 मजदूरों की मौत। पीएम ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 सहायता राशि का ऐलान। ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में लगभग 7 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं इस ब्लास्ट में करीब 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सोनू सूद के खिलाफ FIR दर्ज, पंजाब में मतदान के दिन बहन के लिए प्रचार करने का है आरोप। जरूरतमंद लोगों की मसीहा सोनू सूद एक बार फिर मुश्किल में पड़ गए हैं। दरअसल एक्टर के खिलाफ मोगा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है और फैंस इस खबर को सुनकर परेशान हैं। पंजाब में 2 दिन गिरेंगी बारिश की बूंदें, तेज हवा बढ़ाएगी ठंड। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज और कल पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। 24 फरवरी से मौसम के साफ होने और धूप निकलने की संभावना है।
आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौत पर प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा, कहा यही है यूपी में कानून व्यवस्था की कहानी। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड में 5 लोगों की मौत मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। डेली अपडेट में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।